जलंधर में 13-13 हट्टी गुरु नानक देव जी के 550वें आगमन के अवसर पर शुरू हुआ। गुरु नानक देव जी के दर्शन से प्रेरित होकर इस झोपड़ी ने पिछले 2 वर्षों में जरूरतमंद लोगों को ₹1 की लागत से कई अच्छे कार्य और समाज सेवा के कार्य दिए हैं। 3rd वर्ष के अवसर पर डॉक्टर सलीम के नेतृत्व में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें फुल बॉडी चेकअप, टेस्टिंग, शुगर टेस्ट किया जा रहा है। डॉक्टर सलीम ने लोगों को इस अवसर पर जांच के बाद घर पर दिए जाने वाले उपचारों के बारे में बताया। इस पर उन्होंने कहा कि सर ये किस चीज़ की चेकअप कर रहे हैं? फुल बॉडी चेकअप होता है इसमें, हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह सबका टेस्ट होता है। जैसे किसी को ब्रेन का है, हार्ट का, नसें वीक है, या बोन टेस्टिंग का करवाते हैं। जो नॉर्मल हम ब्लड का सैंपल दे के करवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से 95% एक्यूरेसी टेस्ट की होती है। डायग्नोज करने के बाद क्या? डायग्नोज करने के बाद इनको जो घर में जो रसोई घर है इनका, वही सबसे बड़ा औषधि केंद्र है। वहाँ से जो कुछ चीज़ें पड़ी हैं उनको ही खा के अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। जैसे हम होम्योपैथी, एलोपैथी वगैरह खाते हैं तो उससे क्या होता है कि हम खाने से एसिड इंक्रीज होता है अंदर, एसिड इंक्रीज के यूरिक एसिड बढ़ेगा, ये एसिड बढ़ गया, ये एसिड बढ़ गया, फैक्टर पॉजिटिव आएगा, फिर वहाँ शुरू हो जाएगा। तो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं घर के उपचार करके तो वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ऐसे लिवर फटे मैक्सिमम मैंने देखा यहाँ से, अब जैसे टेस्ट कर रहे हैं हम लोगों को, पेट की बहुत बड़ी समस्या है, लीवर बहुत दिक्कत दिखा रहा है, लीवर फैटी दिखा रहा है। जितनी भी चीज़ें ये मैक्सिमम लोग जैसे आटा गूंथ के फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में सब्जियां रखो बना के खाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ से आ रही है। अंदर जो अंतड़ियाँ होती हैं छोटी आते हैं बड़ी, वो बिल्कुल क्लियर होती नहीं है। जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन बढ़ नहीं रहा है प्रॉपर, वहाँ से दिक्कतें स्टार्ट हो रही है। अभी तक आपने कितने पेशेंट देख चुके, कितने का टारगेट है? अगर यहाँ बच जाते तो आगे कैसे तो आपके पास पेशेंट अभी चल रहे हैं 30-35-40 का टेस्ट, अभी टेस्ट हो चुका है, 100+ तो वेटिंग में है अभी है, चल रहे हैं। तो जो यहाँ नहीं हो पाएंगे, यहाँ नहीं हो पा रहे हैं, मैं यहाँ पे होता हूँ, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है ये मंडी के पास है, यहाँ मैं 10 से 1 मैं होता हूँ शाम को 4 से 5, उसके बाद मैं दाढ़ी खोलता होता हूँ शाम को 6 से 9 बजे तक। तो वहाँ ये जो 13-13 हट्टी ने किया है इसके बारे में 13-13 हट्टी ने तो दूसरा 2 साल हो रहे हैं कंप्लीट। पहले तो बहुत बहुत वाहेगुरु के थ्रू के जितने भी गरीब निडी परिवार मैं यहाँ पे विजिट करता रहता हूँ, बीच में भी जहाँ कपड़े 13-13 रुपये में हर जो ज़रूरतमंद चीज़ें सब चीज़ें मिलती हैं, किसी के पास नहीं होते उनको फ्री में देते हैं, तो बहुत बढ़िया उपराला है। तो मेरी यहाँ पे आज टीम आई हुई है, सारे हैं डॉक्टर साहब आए हुए हैं, टीम आई है, डेंटिस्ट का भी लगाया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ प्लांटेशन में जिनको शुगर की प्रॉब्लम है तो उसके बारे में यहाँ पे भी प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के किए जाएंगे। शुगर जिनको 300-400 शुगर रहती है, कंट्रोल नहीं होती है, इंसुलिन लगाते हैं 18 यूनिट तक जो इंसुलिन लगाते हैं वो छूट जाता है सिर्फ पत्ता खाने से शुगर का, तो वो यहाँ पे सेवा लगा देंगे। मेरे खुद लगाए हुए हैं प्लांट, तो यहाँ पे हम 13-13 हट्टी में उनको लाएंगे, आगे भी वो लोगों के लिए सेवा।